जी हाँ, वार्ष्णेय रत्न नोएडा। श्री वार्ष्णेय समाज नोएडा सदा से ही अपने समाज के उन व्यक्तियों का सम्मान करता रहा है जिन्होंने समाज के उत्थान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है एवं अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। मुझे ये बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि इस वर्ष वार्ष्णेय रत्न पुरस्कार हेतु श्री सी ए के गुप्ता जी एवं डॉक्टर राजीव गुप्ता जी को चयनित किया गया है। बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस पुरस्कार के लिए चुना। दरअसल मैं कुछ ज़्यादा देर बोलना चाहता था, पर सबने कहा कि भाई एक मिनट से ज़्यादा का समय आपको नहीं मिलेगा। तो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जिस समय हम लोगों ने वार्षिक समाज नोएडा की स्थापना की थी, जब शुरुआत की थी, तो मेरे घर से ही हुई थी। नेचुरली बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेरे दिमाग में हमेशा ये रहता था, क्योंकि उस आए हुए नोएडा में एक ही साल हुआ था उस समय। तो मैंने अपने घर से, राजेश वार्षिक जी मेरे घर पर आए थे उस दिन वार्षिक दर्पण लेकर, तो मैंने अपने विचार उनको बताया कि भाई मैं वार्षिक समाज नोएडा में एक संस्था बनाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, हम भी यही चाहते हैं। तो हम सब ने मिलके तेजपाल जी को कांटेक्ट किया, फिर पुष्पेंद्र नाथ जी मेरे पास आते थे अपने किसी वर्क के लिए, सर्टिफिकेशन के लिए, तब फिर हमने उनसे भी अनुरोध किया दो मिनट के लिए कि आप हमारी हेल्प करें और हम इस संस्था को बनाकर आगे बढ़ना चाहते हैं। तो फिर हम सब ने मिलकर तेजपाल जी ने शंकरलाल जी को, पुष्पेंद्र नाथ जी, फिर डॉक्टर राजीव गुप्ता जी को, इन सबको कांटेक्ट करके, और के वार्ष्णेय जी भी थे उस समय जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो हम सब ने मिलकर इस संस्था की शुरुआत की। और उस समय मैं 32 वर्ष का युवा ही था, तो मैं चाहता हूँ कि भाई युवा पीढ़ी आगे आए। हालांकि हमारे मुकेश भैया अभी भी अपने आप को युवा ही कहते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो 30-32 साल के बच्चे हैं और वो सारे लोग आगे हैं, ताकि इस संस्था को एक नई ऊर्जा और एक नई पहचान मिले। धन्यवाद। अभी जो भी 40% आपकी से युवा ही हैं, और भैया वगैरह भी एक कौन से बुड्ढे हुए हैं, सब हैं। और आपका लगाया हुआ पेड़ देखिए कैसा पल्लवित हो रहा है, मैं समझ सकती हूँ आपका मन कितना खुशी से आनंदित होगा। एक बात जी, वार्ष्णेय समाज नोएडा के रजत जयंती समारोह के अवसर पर मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ। मुझे कितना हर्ष हो रहा है इस समय देख करके कि जो पेड़ लगाया था, आज हम 25 वर्ष बाद रजत जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए। ये सौभाग्य है कि हमारे बीच शंकरलाल जी हमारे साथ संरक्षक के रूप में उपस्थित हैं। जो कार्य डॉक्टर चंचल ने, मुकेश जी ने जो किया, मैं समझता हूँ कि उस कड़ी में डॉक्टर केडी गुप्ता और डॉक्टर केजी वार्ष्णेय जी के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, उसी का परिणाम है कि आज हम इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित कर पा रहे हैं। मैं आपको एक और बात कहना चाहूँगा कि आज के सोशल मीडिया के दौर में हम सब लोग कंसंट्रेट रहते हैं अपने मोबाइल पर। यदि हम इन कार्यक्रमों में प्रतिभाग करें तो निश्चित तौर पर हम और आगे बढ़ सकेंगे। और ये जो संख्या है आपको अभी लग रहा होगा कम है, क्योंकि हमने दो और ब्रांच खोल दी इसकी, ग्रेटर नोएडा वेस्ट और ग्रेटर नोएडा। तो काफ़ी हमारे सदस्य जो हैं वो चूँकि वहाँ पहुँच गए हैं, तो ये हमारा जो वार्षिक समाज नोएडा बहुत ही समृद्ध है। मैं समझता हूँ हम इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। सर मैं आपको ये सिद्धिदात्री च नव दुर्गा।
जितना अच्छा रोल ये अपने टीचिंग में निभाते हैं, ये पार्ट टाइम ये इनकी हॉबी है। तो जो सुनील सर हैं, जॉन सर हैं, डीपीएस ग्रेटर नोएडा इत्यादि में हैं, तो अब ये हम कमांड देने जा रहे हैं, इनके हेड ओवर कर रहे हैं सुनील सर को। प्लीज सर, थैंक यू वेरी मच सर, राधा साथी रे, राधा ओ राधा।